हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। 34 डेज रह गए हैं हमारे प्रीलिम्स 2019 को। आइए करें कुछ मिक्स्ड जीएस के क्वेश्चंस 2019 के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल अटैक करते हैं। ये है, आपने मुझे बताना ग्रीन चैनल पॉलिसी के बारे में। ये न्यूज़ में रहती है कभी कभी, आपने मुझे बताना ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है ये ग्रीन चैनल पॉलिसी। ऑलराइट दोस्तों, आपके ऑप्शंस बिल्कुल सरल सिंपल सी हैं। हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी कोई ग्रिड की स्टेबलाइजेशन के लिए, या फिर ये रिवर्स की इंटरकनेक्टिविटी के लिए है, या डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन चैनल पर एक बार गौर करें एंड आंसर मार्क करें। एंड राइट आंसर इज येस, डिफेंस प्रोक्योरमेंट। हमारे ये हाफ लेंथ टेस्ट में क्वेश्चन था, वहां पर अगर आपने किया था तो रिवाइज हो गया आपका। चेक करें कि कितनी रिटेंशन हो रही है, कितना कुछ आप रिटेन कर पा रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट नहीं है तो नेचुरली आपके लिए एक नई नॉलेज हो सकती है, आपने पहले पढ़ा होगा। तो जस्ट कीप इट एज अ रिविजन मेजर, ठीक है, कि रिविजन करने के लिए। और मेक इन इंडिया जो पॉलिसी जो चलाई है सरकार ने, उसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को इस तरह से कि पूरा एक कि किस तरह से क्रेडेंशियल्स को पहले से ही प्रीडिफाइन कर दिया जाए, फाइनेंशियल और क्वालिटी क्रेडेंशियल्स को। तो उसके लिए यहां पर जरूरी था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर इंक्रीज करनी है, कि हम एक ऐसा एक चैनल बनाएं, एक ओवरऑल एक इस तरह से प्रोसेस बनाएं जहां पर फर्म्स अप्लाई करेंगी, जहां पर कि क्या ग्रांट्स के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड रहती हैं डिफेंस फोर्सेस को कंटिन्यूसली, कि जो रेगुलरली डिफेंस फोर्सेस कंज्यूम करती हैं। एंड वहाँ पर एक रेगुलरली एक सप्लायर का एक पूरा चैनल बना रहना चाहिए जहाँ पर वो सप्लाई करते रहें, एंड बार बार उनकी जैसे क्वालिटी चेकिंग या फिर इस तरह की चीज़ें चेक करने की वहाँ पर रिक्वायरमेंट घट जाए। तो इसी तरह से ग्रीन चैनल को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। कुछ यहाँ पर जो एक कंडीशन हैं, आई सपोज यू शुड रिमेंबर देम, कि कौन सी कैटेगरीज ऑफ फर्म हैं जिनको ये यहाँ पर ग्रीन चैनल के लिए जो एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड और यहाँ पर कुछ जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोडक्ट्स वगैरह आउटसोर्स करते हैं, इस तरह से किस तरह से कौन सी कंडीशंस हैं रिक्वायर्ड हैं, एक बार देख लें तो शायद एग्जाम में भी काम आ सकता है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अबाउट पैरामीटर्स। ये सवाल हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया हुआ है, आपको आना चाहिए सवाल। आपने बताने हैं जो IMF का कोटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि थोड़े कुछ टाइम पहले ही IMF के कोटाज में फ़र्क पड़ा था, जो थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ था और हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ उससे। तो आपने मुझे बताना है पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं जो IMF कोटा ऑफ अ कंट्री डिसाइड करते हैं। पहला कि रिलेटिव साइज ऑफ अ कंट्रीज GDP एंड कंट्री की ओपननेस, किस तरह से क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और वर्ल्ड ट्रेड में शेयर क्या है, कितना प्रतिशत वर्ल्ड ट्रेड का उस कंट्री के पास है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सी ऑप्शंस हैं करेक्ट, 1 and 2, 1 and 3, 1 only या 2 and 3 only। ऑल राइट, तो IMF कोटा की कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको पता है, वो आपको मैं काम आसान कर रहा हूँ। चार कंडीशंस हैं वहाँ पे जिससे कोटा डिसाइड होता है। तो आप मुझे बताइए उसमें चारों में से, यहाँ ये तीन में से कौन सी है। ऑल राइट, एंड राइट आंसर इज दोस्तों 1 and 2 only। ये देखो चार कंडीशंस हैं IMF जिस तरह से कोटा असाइन करते हैं। पहला तो है GDP का साइज, 50% वेटेज उसी की है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको ये रैंकिंग भी करा सकते हैं कि मोर देन की ज़्यादा किसका है, किसका उससे कम। ओपननेस क्रेडेंशियल्स, देन इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इंटरनेशनल रिजर्व्स, ठीक है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो दिमाग में रख के IMF अपना अकॉर्डिंगली कोटा डिसाइड असाइन करता है किसी एक कंट्री को। रिसेंटली जब कोटा जब रीअसाइन हुए और तो इंडिया को फायदा हुआ था, इंडिया का कोटा इंक्रीज हो गया। ऑलराइट, चलिए इंडिया चाइना सभी का ब्रिक्स कंट्रीज अभी को जो साउथ अफ्रीका छोड़ दें अगर BRIC, ये अभी टॉप 10 कंट्रीज में आ गए हैं कोटा होल्डर्स में। ओके, अभी अगला सवाल, मैन केडिंग करके एक टर्म बहुत फेमस है क्रिकेट में, और ये जो वीनू मांकड़ थे उनके साथ एसोसिएटेड है मांकेडिंग। ठीक है, क्रिकेट में आपने सुना होगा रिसेंटली, अगर आपने फॉलो करते आए हैं तो मांकेडिंग हो जो एक पर्टिकुलर तरह का एक तरीका होता है, ठीक है, जो क्रिकेट में, मैं आगे और एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। तो मांकेडिंग क्रिकेट से जुड़ी हुई है, वीनू मांकड़ के नाम पे बना जो टर्म रखी गई। आपने मुझे बताना है जो वीनू मांकड़ हु वॉज वेल नोन एज अ, कि ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे। वॉज ही अ बॉलर, अ बैट्समैन, एन अंपायर, या स्टेटिस्टिशियन। ठीक है दोस्तों, तो वीनू मांकड़ के नाम पर जो क्रिकेट में एक टर्म है मैनकेडिंग, वो किस नाम पर है, क्या वो बॉलिंग करते थे, या वो आउट हुए थे जो बैटिंग कर रहे थे, या अंपायर थे जिन्होंने आउट दिया, या स्टैटिस्टिशियन थे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर बताइए यहाँ पर, सिंपल सवाल। क्रिकेट तो बहुत ही लोग फॉलो करते हैं हमारे देश में, तो क्रिकेट पर सवाल भी एग्जाम में आ चुके हैं। 2013 के मेंस में सवाल था, एंड एक उसके बाद एक सवाल और भी जैसे 2012 के शॉर्ट उसमें था जो आपको आते थे क्वेश्चन ना, जो 1 markers। ठीक है, तो ये गलत नहीं होने चाहिए, तो ये सिंपल सवाल होते हैं। एंड राइट आंसर इज यहाँ पर ही वॉज नॉट अ बैट्स, ही वॉज अ बोलर।
ठीक है दोस्तों, तो बॉलर थे वो और उन्होंने आउट किया था, और जब आउट उन्होंने वैसे मैक्सिमम टाइम ऐसे आउट किया लोगों को, जैसे अब ऐसा होता है कि मैन केटिंग, मैं आपको समझाता हूँ कि रन आउट करने का एक तरीका होता है, जैसे रिसेंटली आपने देखा हो आईपीएल में अश्विन ने भी अभी जो आर अश्विन ने आउट किया भी, एंड जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जैसे होता है ना जहाँ पे जो रनिंग वाली जो एंड होता है वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो 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 रनर है जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है वो क्रीज से पहले ही भाग जाते हैं, कि बॉलिंग होने से पहले ही भाग जाते हैं ताकि थोड़ा रन जल्दी कंप्लीट कर लें प्रेशर सिचुएशन में, अदरवाइज भी बहुत बार से करते हैं, तो बॉलर आउट कर सकता है उनको ना, रन आउट कर सकता है कि बिना जो बॉल के डिस्पैच हुए ही क्रीज को छोड़ दिया उन्होंने अगर, और इसीलिए अदरवाइज जो स्पिरिट ऑफ द गेम में क्या कहा जाता है कि पहले आप वॉर्न करेंगे, कि वॉर्न कर दें पहले कि सर आप ना क्रीज पहले ही छोड़ रहे हैं, प्लीज मत छोड़ना अदरवाइज आई विल रन आउट यू, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद नहीं मानता कोई सेकंड टाइम आउट कर सकते हैं, लेकिन अश्विन ने पहली ही बार आउट कर दिया था तो उसको थोड़ा अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम मान रहे थे, ठीक है। तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो आउट हो जाते हैं इस तरह से रन आउट करार दिए जाते हैं, तो इसको पूरी टर्म को मांकेडिंग का नाम दिया गया है, मांकेडिंग और वीनू मांकड़ के नाम पर है जो कि इंडियन बॉलर थे। इनके बारे में जान लो क्योंकि बहुत ज्यादा ये न्यूज में थे, ठीक है। किसको आउट किया था, बिल ब्राउन, एक बार देख लो बस क्या पता शायद कभी पूछ लें, ऑलराइट। तो अभी क्योंकि इसको अनस्पोर्ट्समैनलाइक कहा जाता है इसलिए दिक्कत में रहता है, आपको एथिक्स में भी पूछ सकते हैं वैसे ये वाला, लेकिन अदरवाइज हमें प्री के पॉइंट से बात करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। एक सिचुएशन होती है दैट इज नोन एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट किस चीज़ से ताल्लुकात रखते हैं, इट इज़ अबाउट पहला ऐसी सिचुएशन जहां पर इंडिविजुअल्स पैसा बचाने की ट्राई करते हैं, ट्राई टू सेव मनी, कब, जब रिसेशन आया हो मार्केट में, एंड इससे क्या होता है, लेकिन इससे कंजम्पशन कम हो जाती है जब वो सेविंग बढ़ा देते हैं, और इससे कंजम्पशन कम हो जाने से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। क्या ये बात सही है, या फिर जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में क्या होता है कि जो ग्रोथ रेट जब स्काई रॉकेट करते हैं तो लोगों की यहाँ पर इनकम बढ़ जाती है, एंड इसी कारण से सेविंग्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, सेविंग्स बढ़ जाती हैं, क्या पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इससे भी ताल्लुकात रखता है, ऑलराइट। तो आपने मुझे बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है, वन टू बोथ या नन ऑफ दीज, एंड दोस्तों थोड़ा सोच समझ के मार्क करना है ऐसी ऑप्शंस, क्योंकि अगर आप सोचेंगे समझेंगे नहीं तो ये सवाल ऐसे सवाल हैं जहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे हमें। एंड राइट आंसर इज यहां पर वन ओनली, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब कि पैसा बचाना, ठीक है, कंजूसी करना टाइप जो चीज़ है, वो बोलते हैं कि ना जब रिसेशन आ गया मार्केट में, जब रिसेशन चल रहा है तो आपको लगता है कि अरे रिसेशन आ गया कभी भी मेरी जॉब जा सकती है, तो मैं काम करता हूँ कि मैं अब पैसे खर्च करना कम कर देता हूँ, मुझे सेव कर लेना चाहिए इनकेस अगर मेरी जॉब चली गई तो आप सेव करना शुरू कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो क्या इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, उससे और नुकसान होता है, उससे आपने सिंस सेव करना शुरू कर दिया आपने खर्चा करना खत्म कर दिया, तो खर्चा नहीं करेंगे तो आप कुछ जो नया सामान नहीं खरीदेंगे, नया सामान नहीं खरीदेंगे तो फैक्ट्रीज क्या सामान कैसे बनाएंगी, तो लोगों को सामान अगर सामान ही नहीं चाहिए फैक्ट्रीज क्या क्यों बनाएंगी, एंड फैक्ट्रीज फिर लोगों को फायर करना शुरू कर देंगे, लोगों को निकालना शुरू कर देंगी, तो उससे बोलते हैं कि आपने जो रिसेशन से बचने के लिए सेविंग शुरू करी उससे आपने रिसेशन को और डीप कर दिया और गहरा दिया, तो इसको पैराडॉक्स बोलते हैं कि इससे आप जो आपको लग रहा था सॉल्यूशन है वो रादर उससे प्रॉब्लम और बड़ी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यही होता है कि इंडिविजुअल और बचाने की ट्राई करते हैं, कंजम्पशन लेवल कम हो जाते हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और गिर जाती है, ग्रोथ रेट भी इससे गिर जाते हैं, सेविंग रेट कम हो जाता है तब, एंड जब सेविंग रेट के जो क्योंकि जब अब सेविंग आपने बढ़ाने की ट्राई की लेकिन आपने ग्रोथ रेट को गिरा दिया यहां पर, ठीक है, ग्रोथ रेट यहां पर गिर जाता है और इससे लोगों की इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और सेविंग लेवल इवेंचुअली देखते हैं तो सेविंग लेवल काफ़ी और जो पहले लेवल था उससे भी कम हो जाता है क्योंकि इनकम ही नहीं बची, अब जो भी था अब वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये पैराडॉक्स कहलाता है, ये बड़ी ही एक जो दिक्कत भरी सिचुएशन है इकोनॉमिस्ट के लिए कि इससे कैसे कंट्रीज को बाहर निकाला जाए। जनरली मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ उस पर कि इसमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नमेंट्स आती हैं हेल्प करने, गवर्नमेंट्स देन दे स्टार्ट स्पेंडिंग, तो सरकार बहुत पैसा खर्च करना शुरू करती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ वापस आ सके, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला यहाँ पर सवाल देखते हैं, आज का आखिरी सवाल ये है जुड़ा हुआ माइकोरिजे से। माइकोरिजे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनवायरनमेंट बायोलॉजी जैसे भी आप पढ़ रहे हैं तो उससे ताल्लुकात रखते हैं। माइकोरिजे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, पहला ये म्यूचुअल एसोसिएशन है किसी फंजाए और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, क्या ये बात सही है, या फिर ये फंजाए और एल्गी की एक एसोसिएशन है म्यूचुअल एसोसिएशन, या फंजाए और साइनोबैक्टीरिया की, या फिर इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो माइकोरिजे का थोड़ा ध्यान रखें कि क्या है ये शब्द और किस से रखता है ताल्लुकात, एंड दोस्तों राइट आंसर इज फंजाई एंड रूट्स। माइको अलग शब्द है, रिजे अलग शब्द है, माइको फंजाई से जुड़ा होता है, रिजे मतलब रूट्स, रूट्स कौन सी, वैस्कुलर प्लांट्स है ना, जो थोड़ा हायर ऑर्डर प्लांट्स हैं उसकी बात हो रही है,
तो इसीलिए ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों को फायदा होता है कि जो फंगस और जो होस्ट प्लांट की जो रूट्स हैं दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, एक एक जो जो इसको ये खाना दे रही हैं और ये अपनी रूट्स को डीप करने में मदद कर रहा है, न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों की जो 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 सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऐसी एक ऑप्शन थी जो फंजाई एंड एल्गी, तो ये पर्टिकुलर इन दोनों के जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम भी है, दीज आर नोन एज लाइकन्स, ये यूपीएससी पूछ चुका है हमें सिलेबस में, जो एक बार जो प्रीलिम्स में 2013 या 14 या 15 में कभी पूछा था हमने कि लाइकन्स क्या होते हैं, वो फंजाई एंड एल्गी का एक म्यूचुअल एसोसिएशन से बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस यहाँ पे छोटी छोटी बातें नोट करते रहो, और जैसे कि आज आपने देखा होगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ कही गई आज, एंड जो आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आज बहुत ही मज़ेदार सा दिन था आज और काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। तो वहाँ पर बस एक बात यहाँ पर जो जानने वाली है, उसमें एक पर्टिकुलर सीन होता है, उस सीन में जैसे जब आप जब लड़ाई की जो पूरा आर्ट सीख रहे होते हैं जो तलवार चलाने के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ पे कोई टीचर होते हैं, टीचर वो टीचर क्या सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को, क्यों कह रहे हैं कि जब भी आप तलवार चला रहे हैं आपने बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपके सामने डेथ नाच रही है, वो तलवार डेथ है, तो डेथ को आपने एक ही चीज़ क्या बोलनी है, आपने डेथ को बोलना है नॉट टुडे। कहते हैं अगर आप दिमाग में रख के चलोगे कि मुझे बस आज नहीं मरना, कल देखेंगे, आज नहीं मरना, आज इस तलवार से मुझे बच के निकलना है, तो आप कहते हैं जिंदगी में हर एक जंग में कामयाब होंगे, तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, नॉट टुडे। तो इसीलिए ही हमारे हमने इसका एक कुछ स्टेटस पोस्ट किया, बड़ा ही मज़ा आया आज का एपिसोड देखकर। तो हम एक इंस्टाग्राम यूज़र ने लिखा कि हम भी यूपीएससी को ऐसा बोल सकते हैं कि यूपीएससी में गॉड ऑफ फेलियर बिल्कुल आपके सामने खड़ा है हमेशा ही, क्योंकि सक्सेस रेट कितना कम है ना, 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 10 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 750 लोगों को अफसर बनाया, ठीक है, तो इतने सारे लोगों में 5 लाख लोग पेपर देने आए तो 750 अफसर बने, तो बाकी इतने सारे 4,99,250 स्टूडेंट्स जो नहीं बने, ठीक है, तो उनको तो गॉड ऑफ फेलियर ने अपने जो गिरफ्त में ले लिया। तो अब इसीलिए हम उसी लेसन को याद कर सकते हैं कि क्या करें, कैसे बचें गॉड ऑफ फेलियर से। तो वहाँ पर एक हमारे इंस्टाग्राम के यूज़र हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक वहाँ डायलॉग लिखा हुआ था, वो कहते हैं कि जब भी कभी जो गॉड ऑफ फेलियर आपके सामने हो तो एक चीज़ बस आप दिमाग में रखें, क्या, नॉट टुडे, कि आज नहीं हम आपकी गिरफ्त में आने वाले, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई में भी इसको लागू कर सकते हैं कि आज अगर मुझे बस आज का टारगेट है, मुझे आज अपना टारगेट कंप्लीट करना है, कल अगला टारगेट आएगा मैं फिर देखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट फिर। तो इसीलिए जो आपके पास जो प्रीलिम्स जो फोकस कर रहे हैं आने वाले जो 30-34 दिन हैं, इसके लिए टारगेट्स बने होने चाहिए। वो टारगेट्स जैसे अगर आप आज बोलें कि आज मैं बहुत थक गया तो मैं सो जाता हूँ, एक काम करता हूँ, आराम कर लेता हूँ, तो उस वक्त बस एक डायलॉग एक बात याद करनी है, नॉट टुडे, ठीक है, आज नहीं हारना मुझे, कल हार जाऊंगा कोई बात नहीं, आज नहीं हारना, ठीक है दोस्तों। ये छोटी 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 जो विक्ट्रीज करते रहोगे तो बड़ी विक्ट्रीज भी मिल जाती हैं, दैट्स इट। क्योंकि ब्रॉडली देखें अगर हम, तो हमें लगता है कि एक इंसान की जिंदगी थी, लेकिन जी तो हमने एक एक दिन होती है ना, वो तो एक एक दिन अगर आप जीतते रहोगे तो अंत में आई एम श्योर कि ना यू विल रियलाइज कि आपने काफ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं, जो छोटे छोटे टारगेट्स अगर अचीव कर लिए हो, ठीक है। तो इसीलिए फेलियर आज नहीं, कल हो जाएंगे कोई बात नहीं, आज नहीं होते फेल, आज तो हम कामयाब होके रहेंगे, ऑल राइट, ठीक है दोस्तों। इसलिए बस वही हमारा स्टैंडर्ड सा एक आपको जाते हुए बात कि जो कॉस्ट इफेक्टिव तरह से अपने जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्रैश को यूज़ करें, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस को करें। 2 फुल लेंथ टेस्ट हो चुके हैं, 4 अभी बाकी हैं, दूर है अभी एग्जाम, अभी है 36 दिन 34 दिन है, काफ़ी लोग हैं जो अभी भी पिक करेंगे एंड दे विल डू अलॉट, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरह से चल रहा है प्रोसेस, और लेस देन 200 आवर्स यू कैन फिनिश अप अ लॉट ऑफ कंटेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए टारगेट बनाओ, अपने सबसे वीक एरियाज को सबसे पहले कवर करो, एंड आज नहीं हारो, ठीक है, कल चाहे फिर हार जाना तो बस आज नहीं, ठीक है, आज नहीं हारना आपने, ऑल राइट दोस्तों, ठीक है, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।